कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ममता बनर्जी सरकार ने 29-30 मार्च को केंद्र सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन का आयोजन किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि 30 मार्च को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की बजाय उसी दिन केंद्र के खिलाफ धरना प्रदर्शन का आयोजन लोगों की भावनाओं का अनादर है। पार्टी ने ममता बनर्जी सरकार पर आर्थिक मामलों में अनियमितता बरतने का भी आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर भाजपा जबरदस्त तरीके से हमले कर रही है। सोमवार को जहां बंगाल में बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, तो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता को निशाने पर लिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को फिर से ममता बनर्जी पर निशाना साधा। दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि 30 मार्च को रामनवमी का महापर्व है, उस दिन देश रामनवमी का त्योहार मनाता है। उन्होंने कहा कि उस दिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने छुट्टी भी नहीं दी और धरना प्रदर्शन घोषित कर दिया। 30 को हम लोग सब रामनवमी का महापर्व अच्छे तरीके से बंगाल में सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करेगा। सभी बंगाल की जनता ने ये रिलीजियस और सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन का जो रामनवमी का प्रोग्राम होगा उसमें पार्टिसिपेट करेगा। भाजपा नेता ने कहा कि अभी बंगाल में शिक्षित बेरोजगार युवाओं का आंकड़ा 2 करोड़ पहुंच गया है। अवैध घुसपैठियों की संख्या वर्ष 2011 में 5 लाख के आसपास थी, आज अवैध घुसपैठियों की संख्या में 9 गुना वृद्धि हो चुकी है और ये आंकड़ा 45 लाख तक पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में आज भी तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार जारी है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल पिछले 10 सालों में फर्जी जॉब कार्ड के मामले में केंद्र सरकार से हजारों करोड़ रुपए ले चुका है। राज्य में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हैं, बड़ा घोटाला है। थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपया पिछले 10 साल में मनरेगा के अंदर ये लोग फर्जी अकाउंट में ट्रांसफर किया। इसका साथ जो इन्वॉल्वमेंट है पंचायत का आदमी, BDO से लेकर DM तक और TMC पूरा पार्टी, इसका खिलाफ हम लोग कार्रवाई की, जांच की मांग की। नेता प्रतिपक्ष के नाते कलकत्ता हाईकोर्ट में मैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने कहा पश्चिम बंगाल सरकार सिर्फ नीतियों का नाम बदलकर श्रेय हड़पने में लगी है। जैसा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, सबके लिए फ्री राशन, आप लोग देख रहे कि कोविड के बाद से, कोविड का जो परिस्थिति हुआ था उस टाइम से अभी तक सबके लिए फ्री राशन मिल रहा है। लेकिन आप बंगाल में जाएंगे तो आप देखेंगे इसका नाम बंगाल में जाते जाते चेंज हो जाता है कि खाद्यो साथी बोल के। इसमें एक भी पैसा राज्य सरकार ने नहीं देते हैं, फिर भी ये लोग बोलते हैं कि खाद्यो साथी प्रकल्प TMC सरकार का है, ममता बनर्जी का है। उधर भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य की ममता सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ सिलीगुड़ी में विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी ममता सरकार पर हमले का मौका नहीं छोड़ रही और पार्टी का कहना है कि 29 मार्च को बंगाल की भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ नेताजी की मूर्ति के सामने धरना प्रदर्शन करेगी। दिल्ली से विक्रमजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD News। संसद सत्र का तीसरा हफ्ता संसद के दोनों सदनों में जारी रहा गतिरोध।